सबकी भूख मिटाने वाला खुद भूखा रह जाता है। कड़ी धूप में फसल उगाए वो किसान कहलाता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सोच भी बदली है और इसी बदली सोच को राजनीतिक रूप देकर दबाव की राजनीति का चलन देश भर में हर तरफ देखने को मिल रहा है। आंदोलन और धरने के नाम पर भोले वाले किसानों का राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी किसान यानी शेतकारी के नेता हैं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के मुखिया राजू शेट्टी, जो एक खास उच्च वर्ग के किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन आजकल अपने संगठन की दम पर राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। राजू शेट्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से 3 सीटें चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने शेट्टी को एक एक सीट देने का मन बना लिया है। इस पर पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छा जनाधार रखने वाले राजू शेट्टी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को धमकाते हुए कहा कि मैं पहले से हाथ कड़ंगले सीट से बिना किसी के समर्थन से जीतता आया हूं। अगर मेरी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त सीट देते हैं तो वो मुझे नहीं चाहिए, क्या मैं भिखारी हूँ? राजू शेट्टी जी, पहले तो गठबंधनों में अपनी जोड़ तोड़ करना, फिर भोले भाले किसानों का चेहरा दिखाकर वोट की भीख मांगना, आप क्या हैं क्या नहीं ये तो अपने दिल से पूछिए।